जैसा कि हमने अपनी इको फ्रेंडली एसी सेट कर ली है, आप इधर देख सकते हैं कि ये एनर्जी सोर्स है इको फ्रेंडली एसी। अभी हमारा जो इको फ्रेंडली एसी की जो टरबाइन थी अभी वो चालू नहीं, आप देख सकते हैं ये राउंड नहीं कर रही टरबाइन, क्योंकि हमने वहाँ पर ऑफ सर्किट ऑफ की है ताकि ये टरबाइन चालू ना हो सके। अब हम देखते हैं कि वास्तव में हमारे रूम का टेम्परेचर लो होता है कि नहीं होता है, इसके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है रूम का। तो इनिशियल टेम्परेचर को देखने के लिए पहले हम इसमें अपना थर्मामीटर रखेंगे और इसकी इनिशियल टेम्परेचर देखेंगे कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है। तो हमने यहाँ पर रख दिया है इनिशियल टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने अपने यूज़ किया एक रूम बनाया और यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए अच्छे से, थोड़ा से अच्छा दिख सके। और हम देखते हैं कि हमारे जो रूम का टेम्परेचर है वो इनिशियल कितना है। तो इसके लिए हम लगभग 5-6 सेकेंड रुकते हैं और फिर देखते हैं कि इसके रूम का टेम्परेचर इनिशियल कितनी है। हाँ, तो अब देख लेते हैं कि हम इस रूम का टेम्परेचर ये 20.3 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। आप भी देख सकते हैं कि ये 20.3 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर जो इनिशियल है वो बता रहा है। अब हम अपनी इको फ्रेंडली एसी को ऑन करते हैं ताकि जो फाइनल रिजल्ट मिल सके कि हाँ वास्तव में हमारे रूम का टेम्परेचर जो है वो लो हो रहा है। तो इसके लिए पहले हम इको फ्रेंडली एसी के अंदर ये रूम के अंदर थर्मामीटर को रखेंगे और इको फ्रेंडली एसी के जो स्विच थी ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इको फ्रेंडली एसी की जो टरबाइन थी वो घूमने लगी है। अब थोड़ा इंतज़ार करेंगे इसके फाइनल जो रिजल्ट है, रूम का टेम्परेचर लो होता है कि नहीं होता है। प्रैक्टिकल के लिए हमें यहाँ पर रख दिया है। अब थोड़ी देर लगभग 10-15 सेकेंड तक इंतज़ार करते हैं। तो अब देखते हैं कि वास्तव में हमारा रूम का टेम्परेचर लो हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले पहले हमारा रूम का टेम्परेचर 20.3 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब लगभग 1 सेंटीग्रेड घटा है, ये 20.2 सेंटीग्रेड हो गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा रूम का टेम्परेचर लो हो रहा है। वास्तव में हम अभी थोड़ा ही समय दिए हैं ताकि रूम का टेम्परेचर अभी ज़्यादा वेरीफाई नहीं हो रहा। अगर हम थोड़े से और देर तक कुछ समय और लेकर चलाएं तो इसका वास्तव में इसका रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा और लो हो सके, अभी नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी इको फ्रेंडली एसी है कुछ हद तक काम कर रही है। यदि हम इसे बड़े पैमाने में यूज़ करें तो वास्तव में हमारे जो रूम का टेम्परेचर होगा वो लो हो जाएगा। इससे यह फ़ायदा होगा क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि मॉडर्न एसी बन चुकी हैं उनमें सिर्फ सीएफसी गैस यूज़ होती है जो हमारे ओजोन परत को नष्ट करती है। वास्तव में जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को रोकती है ताकि पृथ्वी पर ना आ सके। यदि वो परावैगनी किरणें आ जाएं तो पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतु जो होंगे वो अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, जैसे क्षय रोग आदि प्रकार की बीमारियां, अनेक बीमारियां इनसे ग्रसित हो जाएंगे, कैंसर वगैरह जो है बीमारियां उनसे ग्रसित हो जाएंगी। तो जो ओजोन परत होती है वो परावैगनी किरणों को रोकती है और ओजोन परत का नष्ट होना, ओजोन परत का जो नष्ट होना उसका मुख्य कारण सीएफसी गैस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह सकते हैं, कार्बन गैस कह सकते हैं। आज देख सकते हैं कि टीवी समाचार में देखते हैं कि ओजोन परत पर यहाँ पर छिद्र पाया गया और एक वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण में यह बहुत बड़ी समस्या है और जीव जंतु के लिए यह बड़ी समस्या है। तो इससे हम इस एसी से हम अपने रूम के टेम्परेचर को लो कर सकते हैं और जो वायुमंडल हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है उसको सुरक्षित कर सकते हैं ताकि जीव जंतु अपनी अच्छी तरह से बिना
बीमारी से बीमारी से रह सकें, बिना कोई बीमारी ना उनको हो, तो इसलिए हमें इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए हमने इको फ्रेंडली एसी का निर्माण किया है अथवा हमने बनाया है। थैंक यू। मैं श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैंने इको फ्रेंडली नामक एसी बनाई है। इस मॉडल को बनाने में मेरा मार्गदर्शक डॉक्टर रविंद्र कुमार सर ने किया है। आइए मैं इस मॉडल को बताने का प्रयास करता हूँ। एसी को एनर्जी के सोर्स के लिए मैंने यहाँ कुछ सर्किट बनाई है। इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए मैंने स्विच यूज़ किया है, ताकि सर्किट ऑन हो जाए, ऑन होते ही टरबाइन चालू हो जाए और ऑफ होते ही और टरबाइन बंद हो जाए। हम अपनी इच्छा अनुसार टरबाइन को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। इस एसी को पानी देने के लिए हमने एक टंकी बनाई है। जब इसमें हम पानी भरेंगे, तो हम पाइप द्वारा हमने एक ऐसा सर्किट या एक जाली नुमा बनाई है, ताकि इसमें पानी अच्छी तरह से फ्लो हो सके। जब यह पानी फ्लो होगा, तो हमने यहाँ देखिए, आप यहाँ यूज़ किया है, हमने कोल यूज़ किया है, कोयला यूज़ किया है। जब हम यहाँ फ्लो करवाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कि आप ये छिद्र उपस्थित हैं, ताकि जब ये फ्लो होगा, इससे पानी लीक हो जाएगा और फिर बूंद बूंद के रूप में इस कोयले को भिगाएगा। भिगाने के पश्चात हम जानते हैं कि कोयला पानी का अच्छा अवशोषक होता है, और पानी की जो नमी होती है वो यहाँ पर बहुत देर तक रुकी रहेगी। हम फिर टरबाइन को ऑन करके देखिए, आप जैसे इस प्रकार चल रही है, टरबाइन को ऑन करके इस पर उपस्थित कोयले में उपस्थित जो नमी है, हम इस जाली द्वारा अपने कमरे में थ्रो करवा सकते हैं, ताकि हमारा जो कमरा होगा ठंडा हो सके। अब एक बात आती है कि हम जैसे कोयले के यूज़ करने के बाद कोयले को बदलने के लिए, तो हमने इसे डिटेचेबल बनाई है, ताकि ये कोयले को यूज़ करने के बाद फिर से नया कोयला रख सके। अब इस पानी जो वेस्ट पानी है, इस पानी को कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर टंकी का यूज़ किया है, और यहाँ पर वेस्ट जो वाटर है, इस पाइप द्वारा जो लगा इधर है, इस पाइप द्वारा हम थ्रो कर देंगे, बाहर थ्रो कर देंगे। इसकी वजह से हम अपनी जो कमरा होगा, इस ठंडक की वजह से हमारा हमारे कमरे का जो तापमान होगा वो लोड होता जाएगा, और हम अपने कमरे के तापमान को कम कर सकते हैं।